हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आप सभी को नहाए खाए के छठ पूजा की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। सॉरी डियर, मेरी आवाज़ थोड़ी सी आप सभी को अजीब सी लग रही होगी, क्योंकि मुझे कफ हो गया है, जिसके कारण आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, जिसके वजह से मैं कल भी आप सभी के साथ ये नहाए खाए का ब्लॉग नहीं शेयर कर पाई। तो मैं बोली नहीं, ये पता नहीं एक दो दिन तक तो रहेगा ही मेरा गला ऐसा, और आप सभी के साथ ब्लॉग्स शेयर करना भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे आवाज़ को मैनेज कर ले और मेरे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दे। तो आज नहाने खाने का था, और उसके एक दिन पहले ही मैंने कम से कम 16-17 बेडशीट से धोई थी, क्योंकि दीदी लोग आई हुई थी। तो जब सारे लोग गए ना, तो उसके बाद फिर मैं सारा घर का जितना भी बेडशीट था और जितने लोग थे सब ओढ़ रहे थे, फिर बिछा हुआ था, तो सब मिलाकर 16-17 बेडशीट्स कंबल वगैरह हुए थे, तो सबको मैं धुलकर सुखा ली थी। उसके बाद फिर आज नहाने खाने का ही, सुबह से उठकर मैं लग गई हूँ सारे घर को काम करने में। हालांकि एक दिन पहले ही मैं घर वगैरह धुल ली थी, और जितने भी सोफ़े के कवर वगैरह सब धुलकर फिर से मैं बिछा दी हूँ। कुछ भी लहसुन प्याज वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत ही दिल से छठ पूजा को मानते हैं और बहुत ही सफाई का ध्यान रखते हैं। हालांकि मेरे घर में तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बगल में जाती हूँ, हम सभी को इनवाइट करते हैं, और बहुत ही मन और श्रद्धा से वहाँ पर जाकर पूजा का हर एक प्रोग्राम में हम लोग शामिल होते हैं, तो इसीलिए बहुत ही अच्छे से जाते हैं। तो अभी मैं नहाकर आ गई थी, घर का सारा जितना भी काम था सब कुछ कर ली हूँ, और मिष्टी भी मेरी चली गई है पूजा में, और मैं बोली कि तुम अभी जाओ, मैं आ रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने पैरों में आलता लगा लूँगी, साथ के साथ जो मैं हाथ में जो धागा बांधी हूँ ना बद पूजा वाला, उसे भी चेंज कर ली हूँ, और उसके बाद फिर नई वाली चूड़ी जो एकदम कभी मैं पहनी नहीं हूँ, कोरी वाली, वो पहनूँगी। कांच की चूड़ी बोलते हैं, छुआ जाता है ना, तो अपने शाखा पोला मैं जो पहनती हूँ, तो उसका पोला मैं हटा दी हूँ, सिर्फ शाखा पहनी हुई हूँ, और साथ के साथ फिर कांच वाली नई वाली चूड़ी पहन लूँगी, और उसके बाद फिर तैयार होकर हम लोग चलेंगे जहाँ पर हमें इनवाइट किया गया है। बगल के घर में ही है, तो हम लोग पूरे मोहल्ले वाले मिलकर उनके घर का सारा काम काज करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। और जो लोग भी बाहर से मुझे देख रहे होंगे, और जो लोग छठ में अपने घर नहीं आ पाए हैं, तो वो हमारे ब्लॉग्स को देखकर छठ पूजा का दिन को जी सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि हर एक पल को शामिल करने के लिए, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें छठ पूजा बहुत ज़्यादा पसंद है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मुझे हरियाणा तरफ से और कहाँ कहाँ से देखते हैं, जो लोग छठ पूजा के बारे में सुने हैं लेकिन वो लोग जानते नहीं हैं क्या होता है। तो मेरे ब्लॉग्स के ज़रिए आप लोग जान सकें कि छठ पूजा को कैसे किया जाता है और कितना इन्जॉय किया जाता है इस पर्व को। Thank you.
सो फ्रेंड, यहाँ पर हम लोग सारे लोग आ गए हैं। आते के साथ लग गए थे सब्जियों को कट करने में। जब तक हम लोग सब्जियाँ कट कर रहे थे तब तक दाल और चावल चढ़ा दिया गया था। जब तक वो होगा तब तक सब्जियाँ भी कट जाएगी और काफ़ी लोगों के लिए खाना बनता है, तो जिसके वजह से हम लोग बहुत सारे लोग मिलकर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा खाना सब कुछ बनकर हो गया है तैयार और टाइम हो गया था, 2 बज गए थे, 2 बजे तक सब खाना बन गया है। तो यहाँ पर खाने में बना था चने की दाल और साथ ही लौकी डाली हुई थी, साथ में टमाटर की चटनी, आलू गोभी की सब्जी और उसके साथ एक और था पपीता की भुजिया और सबसे स्पेशल जो होता है दही, मीठी वाली दही। सब कुछ तैयार करके हम लोगों ने रख दिया है और बस थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब फिर उसके बाद फिर खाना भी निकालना है, जैसे कि गाय के लिए, पक्षियों के लिए और बाहर के जो भी पशु होते हैं, डॉगी वगैरह, सब भी को सबसे पहले निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया जा रहा है, दीदी जो यही व्रत की हैं, दीदी हमारी ननद लगती हैं, तो सबसे पहले पक्षियों को दे दी हैं, उसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं गाय को देने के लिए। तो इन्हें खिलाने के बाद, थोड़ा सा गर्म था ना तो खा नहीं रही थी, उसके बाद फिर हाथों से खाने को ठंडा किया गया और फिर जाकर कहीं खाई है। तो यहाँ पर सभी को खाना खिलाने के बाद फिर दीदी खा लेंगी, वो जब खा लेंगे उसके बाद फिर सारे लोग खाएंगे। तो इसे खिलाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए घर आ गई थी, तो फिर वो जब खाना खा रही थी ना तो वो क्लिप्स मैं मिस कर गई, ले नहीं पाई। तो उनके खाने के बाद फिर देखिए यहाँ पर सारे लोग बैठ गए हैं, मिष्टी भी है, पाखी भी है और जो आस पड़ोस के जो हमारे होते हैं सभी को इनवाइट किया जाता है, तो वो लोग भी खा रहे हैं, साथ में हस्बैंड जी भी बैठे हुए हैं। क्योंकि हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में, अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। आप सभी को छठ पूजा की नहाए खाए की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आप सभी को विश कर रही हूँ शाम में, क्योंकि सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया, जल्दी जल्दी घर का सारा काम काज की, उसके बाद फिर मैं बगल में चली गई, तो उधर से मैं आई शाम के 4 बजे और आने के बाद फिर थोड़ा बहुत मुझे घर का काम था वो सब की और फिर मैं सो गई, और सोकर भी उठी हूँ तो शाम बत्ती वगैरह दी हूँ और फिर मैं बना रही हूँ खाना। तो अभी किचन में ही मैं हूँ, तो चना दाल बना रही थी, तो चना दाल मेरा बॉईल हो गया है और रोटी अभी बनाऊँगी मैं। तो आप किसके किसके घर में छठ पूजा हो रही है ज़रूर मुझे बताइएगा, और ये एक पूजा ऐसी है ना जो हमसे बहुत टच में रहती है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसे मुझे लगता है कि छठ पूजा, मतलब छठ पूजा को मिस नहीं करता होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा। सारे लोग छठ पूजा को बहुत ही दिल से मानते हैं, दिल से अपनाते हैं, तो और मैं बता भी नहीं पा रही हूँ, एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही ये वाली पूजा के बारे में कि क्या मैं बोलूँ। खैर चलिए अभी बना लेते हैं खाना और बस कुछ दिन का वेट है। आज भी मुझे ना 3 से 4 कमेंट आ रहे हैं, दीदी वेट लॉस वाली वीडियोस कब डालेंगी? तो क्या आप सभी को मेरी ये सब ब्लॉग्स अच्छी नहीं लगती है? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि हर ब्लॉग में 2-3 कमेंट होते ही हैं कि आप अपनी वेट लॉस वाली वीडियोस डालिए, वेट लॉस वाली वीडियोस डालिए। तो मैं डालूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं डालूँगी, डालूँगी, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत हम लोग बिज़ी हैं इसी इन सभी में। जैसे ही ये सब चीज़ों से फ्री होते हैं तो ज़रूर से ज़रूर डालूँगी। और वैसे भी मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स जो हैं वो वेट लॉस पर बने हुए हैं, तो आप उसे भी इंजॉय कर सकते हैं चाहे तो, और साथ के साथ हमारा जो अभी रेगुलर का ब्लॉग चल रहा है उसे भी इंजॉय कर सकते हैं डियर। तो बस कुछ दिनों का बात है, मैनेज कीजिए, उसके बाद फिर मैं आप सभी को फुल मोटिवेट करने के लिए ज़रूर से ज़रूर आऊँगी। तो
बस यही था, मैं सोची चलो आप सभी से बातें कर लेती हूँ। बात अभी मैं इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि अभी लाइट नहीं है और बाजे वगैरह नहीं बज रहे हैं जिसके वजह से, वरना सारा दिन बाजा बज रहा है तो मैं बात नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाएगा ना इसीलिए। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं फटाक से खाना, और खाना पीना बनाते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सभी से। ये है मेरी भाभी के लिए छठ पूजा का स्पेशल खाना प्रसाद। प्रसाद सुबह ढक दीजिए इसको। अच्छा भिजवा देंगे। हाँ अभी लोग खा रहे हैं। चाय को रोटी दीजिए, चाय को रोटी दो तीन बेटी खाई लोगों भी दीजिए रखने। क्या है आप लोग भाग थे हम मतलब ज्यादा बच गया क्या जी? नहीं अभी खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा हमको मतलब कि ज्यादा बच गया तो बोलना कि अगर बच गया तो फिर ये हमको खिसिया भी रहे, मतलब सर्दी से ना की और भाग के इसमें थोड़ा फ्राई कर लिए क्या जी? हाँ खा ले वो अच्छा है। हम बोले नहीं जी जानते हैं आदमी इतना ही बनाता है खाना अच्छा नहीं लगता और कोई खा लेगा। सो फ्रेंड अभी रात के बज रहे हैं 10 और हम लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। और ये इस पत्तल में मुझे ना खाना खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। रात में चावल नहीं खाना चाहिए क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ इस पत्तल में खाने के लिए मैं खा रही हूँ चावल। और मेरा देखकर ये भी बोल रहे कि मुझे भी पत्तल में खाने दो, तो उन्हें भी मैं पत्तल में ही दे दी हूँ खाने के लिए। खैर वो पराठे रोटियाँ यही सब खा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। छठ पूजा का खाना एक सुकून देता है, ऐसे भी हर एक भोग जो होता है बहुत अच्छा लगता है, तो ये तो बहुत ही अच्छा है। तो जो दिन में हम लोगों ने बनाया था वही है। और अभी मैं बनाई थी चने दाल की सब्जी, चना दाल बनाई थी और रोटी बनाई थी तो हस्बैंड जी खा रहे हैं, और फिर आलू गोभी की भुजिया भी है तो हस्बैंड जी खा रहे हैं, और हम लोग जो दिन में खाए थे ना उसी को खा रहे हैं। तो चलिए खाते हैं और अपने आप को तृप्त करते हैं, और आप सभी से कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। तो आज के लिए यहीं तक, गुड नाइट, बाय बाय।